गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत की रही मेरी सीक्रेट वाली ड्रिंक से। एक्चुअली ये जो ड्रिंक है वो है पतला होने वाली ड्रिंक। मैं इसको इसके बारे में बताऊंगी नहीं, आपको अगर जानना है तो ही बताऊंगी जी। तो सबसे पहले मैं इसको पीती हूँ, उसके बाद मेरी दिन की शुरुआत होती है। तो गाइस यहाँ पे देखिए कद्दू बन चुका है, सेमियाँ बनी है मीठे मीठे, साथ में ब्रेकफास्ट के लिए बना है पोहा गाइस। और स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। के भी लगा दिया आज, जो मैंने खरीदे काफ़ी टाइम से वो आज मैंने लगा दिए। साथ में ये वाला नेल पेंट लगाया, वो इसलिए ना क्योंकि मैंने ऐसी मैचिंग वाली लिपस्टिक लगाई थी, तो फिर मैंने ये वाला नेल पेंट लगाया। और आप बताना कैसे लग रहे झुमके भी और नेल पेंट भी। गाइस ये देखो मेरे टीनी मिनी आ चुका है स्कूल से और हम कर रहे हैं होमवर्क। मैंने इसके सर में की रही है चंपी, तो मैंने ना इसके बाल कटवा दिए। ये देखो आपको दिखा लेती हूँ, आप बताओ बाल कटा के कैसी लग रही है ये। तो यहाँ पे कर रही है ये क्या कर रहे हो, आपका कलर बाहर निकल गया बच्चे, ये देखो। तो गाइस आज ना बड़े लंबे टाइम के बाद बनने वाला है पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा की डिमांड थी। तो यहाँ पे सारा सामान पहले मैं पहले ही लेके आ गई थी, जो था मोज़रेला चीज़ और ये स्वीट कॉर्न वगैरह। तो आपको बता दूँ इसके लिए डो ना, पिज़्ज़ा के लिए डो खुद ही तैयार किया था, मतलब रेडीमेड लाए थे घर पर तैयार किया था। तो मैं मैदा वगैरह ना घूल के रखती थी थोड़ी देर के लिए, मैं इसको ऐसे छोड़ दिया ताकि अच्छे से फूल जाए और हमारा डो मतलब थोड़ा बन जाए। आज मैं मम्मी पापा मेकअप पिज़्ज़ा देखिए। ये देखो पिज़्ज़ा की पूरी तैयारी हो चुकी है हमारे, इसमें कैप्सिकम अनियन टमाटो। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं पिज़्ज़ा सॉस, जो कि मैं खुद बना रही हूँ, मतलब बना बनाया रेडीमेड नहीं लाए हम, वो मैं खुद ही बना रही हूँ। और साथ में आपको बता दूँ ये रहा हमारा मोज़रेला चीज़, जो सारा कमाल रहता है ना पिज़्ज़ा में वो रहता है गाइस, इसका मोज़रेला चीज़ भर भर के डालेंगे हम। और इसके अंदर है गाइस स्वीट कॉर्न, और स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा देगी तो इसमें से तो थोड़े से ही लगेंगे, ये स्वीट कॉर्न तो थोड़े से लगेंगे, बाकी पिज़्ज़ा ये भी शायद हाफ लग जाए, तो एक पिज़्ज़ा और बनाऊंगी मैं। फ़िलहाल यहाँ पे बनाते हैं पिज़्ज़ा सॉस हम। हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी, बस अब हम डालने वाले हैं ये ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स। तो इसका ये निकालने को मेरे को, फिर मैं ये सारा छिड़क के, तो फिर हमारा मस्त वाला पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो गया गाइस। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, ये रहा पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा जा रहा है रूम में अक्कू के लिए, क्योंकि विदाउट मिर्च है, इसमें कोई चिली वगैरह ऐड नहीं की। अब मैं ऐड करूँगी चिली और इन्जॉय करूँगी पिज़्ज़ा। बाय बाय गाइज़।